Hello everybody and welcome in biological world. Now we will discuss about epistasis. It is also called non-Mendelian inheritance, intergenic interaction and non-allelic interactions, right? So the phenomena in which the effect caused by a gene at one locus interfere or hide the effect caused by a gene at another locus, right? So basically यहाँ पर ये process दो genes के दरमियान होता है जिसमें एक gene जो कि एक लोकस पे प्रेजेंट है वो दूसरे जीन जो कि दूसरे लोकस पे प्रेजेंट है उसके अफेक्ट को सप्रेस करती है, हाइड करती है, इंटरफेयर करती है, राइट? सो ऐसे प्रोसेस को हम एपिस्टेसिस कहते हैं. व्हाट इज़ एपिस्टेटिक जीन? जीन विच सप्रेस और मास्क द इफेक्ट ऑफ एक्शन ऑफ अ जीन एट इन अदर लोकस. वो जीन जो कि दूसरे जीन के अफेक्ट को सप्रेस कर रही है, कम कर रही है, मास्क कर रही है, इस फिनोमिना को हम एपिस्टेटिक, उस जीन को हम एपिस्टेटिक जीन कहेंगे. वो जीन जो कि सप्रेस हो रही है वो हाइपोस्टेटिक जीन होंगी. लेकिन ये दो जीन डिफरेंट लोकस पे प्रेजेंट होंगी और एक दूसरे के अफेक्ट को सप्रेस करेंगी, मास्क करेंगी. ये प्रोसेस जो है बेसिकली डिफरेंट है डोमिनेंस के केस से, बिकॉज वन जीन कैन हैव टू अलील्स और मोर देन, वी कैन से मल्टीपल अलील, राइट? सो बेसिकली डोमिनेंस और रिसेसिव का केस अलील के दरमियान भी आ सकता है जो कि एक जीन के अंदर प्रेजेंट होती है. लेकिन एपिस्टेसिस का प्रोसेस दो जीन्स के दरमियान है, वो अलील के दरमियान नहीं, जीन्स के दरमियान है जो कि डिफरेंट लोकस पे प्रेजेंट थी, राइट? सो एपिस्टेसिस की थ्री टाइप्स हैं. फर्स्ट वन इज़ डोमिनेंट एपिस्टेसिस. इसकी जो रेशियो हमारे पास 12:3:1 आती है. डोमिनेंस जीन एट वन लोकस सप्रेस द एक्सप्रेशन ऑफ अ जीन एट अनदर लोकस रिगार्डलेस ऑफ इट्स एलीलिक कंडीशंस. डोमिनेंट एपिस्टेसिस के केस में वो जीन जो कि एक लोकस पे प्रेजेंट है वो दूसरे जीन के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर रही है, सो इसे हम डोमिनेंट एपिस्टेसिस कहते हैं. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनकी एलीलिक फॉर्म क्या है, चाहे वो डोमिनेंट अलील शो कर रही हो, चाहे वो रिसेसिव हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. डोमिनेंट एपिस्टेसिस के केस में एलीलिक इंटरेक्शन इंटरफेयर नहीं करेगा. नाउ लेट अस डिस्कस एग्जांपल. तो बेसिकली हमारे पास एग्जांपल वाइट कैट एंड ब्राउन कैट की है. बेसिकली हमने वाइट कैट को कैपिटल आई एंड कैपिटल बी से डिनोट किया है, जबकि स्मॉल ब्राउन कैट को हमने स्मॉल आई एंड स्मॉल बी से डिनोट किया है, राइट? सो ये पेरेंटल वो थी. फर्स्ट फिलियल जनरेशन हमारे पास कैपिटल आई, कैपिटल बी एंड स्मॉल बी है, जिससे हमने फर्दर गैमेट्स की फॉर्मेशन की है. कैपिटल आई, कैपिटल बी, फिर हमने कैपिटल आई को स्मॉल बी के साथ किया, देन हमने स्मॉल आई को कैपिटल बी के साथ, एंड अगेन इन द लास्ट हमने स्मॉल आई को स्मॉल बी के साथ मल्टीप्लाई करवाया. सो हमारे पास अब ये आ गया है, हमने इसको टेस्ट क्रॉस की फॉर्म में करना है. सो अब फर्स्ट जो हमने, जो कि हमें ब्लॉक में गिवन है, कैपिटल आई, कैपिटल आई एंड कैपिटल बी, कैपिटल बी, जब हमने इसका क्रॉस करवाया, इसी तरीके से हमने रो और कॉलम को साथ लेके चलना है. रो से कॉलम को मल्टीप्लाई करते हुए हम ये एग्जांपल ले सकते हैं. रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हुए हमने ये ब्लॉक बनाना है. फर्स्ट ब्लॉक में कैपिटल आई और कैपिटल बी है, जबकि रो वाइज भी और कॉलम वाइज भी. सो हमने इसका आपस में क्रॉस किया. सेकेंड नंबर पर जब हम आ जाते हैं तो हमने उसी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो हमारे पास कैपिटल डबल कैपिटल आई एंड कैपिटल बी स्मॉल बी आया, जो कि वाइट है. इसी तरह हमने ये पूरा क्रॉस करना है, राइट? सो जब हमने ये क्रॉस कर लिया, अब इस क्रॉस में जिस जिस जगह कैपिटल आई डिनोट है, चाहे वो वन है चाहे वो टू है, ये हमें वाइट कलर को डिनोट करेगा, राइट? सो हमारे पास जब कैपिटल बी की फॉर्म आ जाती है या उसमें से एक रिसेसिव हो जाए, कैपिटल बी हो दोनों या फिर स्मॉल बी हो, अगर इनके साथ रिसेसिव आई आता है तो वो हमारे पास ब्लैक कलर को इंडिकेट करेगा. लेकिन अगर सपोज़ चारों एलीलिक फॉर्म रिसेसिव आ गई तो वो हमारे पास ब्राउन कलर को शो करेगा. ये हमने कलर इंडिकेशन के लिए ये टर्म रखी, राइट? सो अब हमारे पास 12 वाइट कलर आए हैं. कैसे आए हैं? बेसिकली इस तरीके से आए हैं कि जब हमने क्रॉस किया तो हमारे पास जो आई है दोनों, वो हमारे पास फर्स्ट रो में, यू कैन सी दैट कैपिटल आई एंड कैपिटल बी है फर्स्ट में, सेकेंड में कैपिटल डबल कैपिटल आई एंड कैपिटल बी स्मॉल बी है, थर्ड के केस में कैपिटल आई रिसेसिव आई देन कैपिटल बी बोथ, और फोर्थ के केस में हमारे पास कैपिटल आई कैपिटल बी स्मॉल बी, राइट? सो अब हम इस केस में देख सकते हैं और ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे पास
कैपिटल आई आए हैं। अगर इनमें से एक भी आई रिसेसिव हो तो भी वाइट कलर होगा। और अगर पूरी टर्म डोमिनेंट की शो करी एलीलिक फॉर्म, सो हमारे पास वो भी वाइट कलर होगा। लेकिन हमारे पास इन द एंड, बिल्कुल एंड पे ब्राउन कलर आया है। ब्राउन कलर जो है बेसिकली वो उसकी एलीलिक फॉर्म जो है स्मॉल आई एंड स्मॉल बी है, राइट, जो कि ब्राउन का इंडिकेशन है। लेकिन ब्राउन के साथ ही बिल्कुल ऊपर और साथ हमारे पास रिसेसिव आई कैपिटल बी एंड स्मॉल बी है। सो आई रिसेसिव है, अगर दोनों आई रिसेसिव हुए तो ब्लैक होगा। अगर कैपिटल बी के साथ दोनों आई रिसेसिव हुए तो ब्लैक होगा, लेकिन अगर बी भी रिसेसिव हुए दोनों तो ब्राउन होगा। लेकिन अगर एक आई इनमें से सपोज कोई भी आई कैपिटल हो और स्मॉल आई कैपिटल हो एक और बाकी सारी तीनों एलीलिक फॉर्म रिसेसिव हो तो भी वाइट होगा, जैसा कि हमने लास्ट कॉलम में हम देख सकते हैं वाइट का केस। सेकेंड नंबर पर एक कैपिटल आई है, स्मॉल आई है, देन दोनों स्मॉल बी है, जो कि वाइट को इंडिकेट कर रहा है। सो इस तरीके से हमारे पास इस पूरे टेस्ट क्रॉस में 3 ब्लैक आए हैं, 1 ब्राउन एंड 12 वाइट कलर। सो इट्स रेशियो इज 12:3:1, इट इज़ डोमिनेंस एपिस्टेसिस। सो हम नेक्स्ट टू टाइप्स नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये था एपिस्टेसिस के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।